सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी सिंगापुर पे, उस पर इतना सारा जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए थैंक्स। हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखे, कई सारे लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद सिंगापुर में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें जो हेल्पर के बारे में बताया था कि ये काम आपको सिंगापुर आराम से मिल जाता है सिंगापुर में, और इस पर आपको सैलरी भी एक तरह से अच्छी मिलती है। कितनी मिलती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, हेल्पर का काम करने के लिए इसके लिए आपको कोई वर्क वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये काम आप बेसिकली स्टूडेंट वीजा पे कर सकते हो, और स्टूडेंट वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत पड़ेंगे, फिर मैं आपको उस पर सैलरी बता दूंगा कितने तक सैलरी मिल जाए। देखो, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं सिंगापुर में, वो पार्ट टाइम में अपने खर्चे निकालने के लिए काफी सारे हेल्पिंग वर्क करते हैं, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्क आपको जो बाद में बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए, कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो, जैसे हेल्पर में ऐसा नहीं है कि एज ए हेल्पर में नॉर्मल जो छोटे मोटे काम आते हैं वही होते हैं। जैसे आपने वेल्डर के बारे में सुना होगा, फिटर के बारे में सुना होगा, इसी टेक्नीशियन होते हैं, टर्नर होते हैं, मेटल वर्कर होते हैं, इनकी भी हेल्पिंग वर्क होती है जो कंपनीज में ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइनिंग होती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक पार्ट टाइम में काम करते हैं। अगर आपकी हॉलीडे चल रही है, जैसे आप 1 वीक में 16 आवर तक काम कर सकते हो, अगर आपकी हॉलीडे चल रही है, आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो उसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास का अटेंडेंस भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपको अलाउ किया जाता है 16 आवर तक आप काम कर सकते हो। ये टाइम घटता बढ़ता भी रहता है, मतलब कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। और जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसके अलावा उसमें मैंने कई सारे जॉब बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद सिंगापुर में कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके इसके बाद वो भी देख लेना, और भी काम आपको पता चलेंगे जो काम आप कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है मैं बताता हूँ। पहला है आपका बेसिकली कॉलेज का लेटर, ठीक है। सेकंड है आपका वैलिड पासपोर्ट। थर्ड है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। फोर्थ है आपका पुलिस सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ फंड की जरूरत पड़ती है कि आप जितने दिनों के लिए पढ़ाई कर रहे हो, रह रहे हो सिंगापुर में, उतने दिनों के लिए आप पैसे हैं या नहीं, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी आपको देने होते हैं, ठीक है। और हेल्पर का काम आपको कई सारे छोटे मोटे कंपनीज में मिल जाते हैं, ठीक है, जो पार्ट टाइम में भी होते हैं, फुल टाइम में भी होते हैं। आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी रख लेना, अपनी जितनी भी पढ़ाई के सर्टिफिकेट है वो भी आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, अब जाके वो 10th और 12th पास वाली वीडियो देखो, जो जानकारी आपको इसमें नहीं मिल पाई उसमें मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।